आपने देखा है कि आजकल रेगुलर स्मार्टफोन के बजाय अब फोल्डेबल स्मार्टफोन्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला है। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे यूज़र्स हैं जो फ्लिप फोन्स का और फोल्डेबल स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये ना अपने डिज़ाइन की वजह से जो है ट्रेंड में चल गया है। अब इसकी डिमांड को देखते हुए जितनी भी टेक कंपनियाँ ना अपने नए नए फोल्डेबल फ़ोन्स ला रही हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग हम सब जानते हैं सैमसंग ने की थी, और सैमसंग अभी तक हर साल अपना एक नया फोल्डेबल फ़ोन लॉन्च करती है। उसके बाद मोटरोला, वीवो, ओप्पो जैसी कंपनीज अपने नए फ्लिप फोन्स लेकर आएं। अब इस लिस्ट में वन प्लस कैसे पीछे रह सकता है? तो वन प्लस अब जल्द ही इंडियन मार्केट में और ग्लोबली अपना पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है, और कंपनी ने ना पहला टीजर जारी कर दिया, और माना जा रहा है कि इस फोन को वन प्लस ओपन के नाम से लॉन्च किया जा सकता है। बहुत सारे रूमर्स चल रहे थे इस फोन को लेकर, अलग अलग डिटेल सामने आ रही थी, और अब कंपनी ने ही ऑफिशियल कर दिया है, उसका टीजर भी जारी कर दिया जिसमें पहला डिजाइन देखा जा सकता है। हालांकि ये आप कह सकते हैं एक सेमी फोल्डेड तरीके से, यानी कि एक छोटा सा टीजर दिया है जिसमें आप फुल फोन का पिक्चर तो नहीं देख सकते, लेकिन एक छोटी सी झलक दिखाई गई है जिसमें फ़ोन का ब्लैक कलर ऑप्शन दिखाया गया है। साइड में एक अलर्ट स्लाइडर मिलता है, और वही फोल्डेबल लुक में ये फ़ोन दिख रहा है, तो उससे जाहिर हो गया है कि एक फोल्डेबल स्मार्टफोन होगा। एक वॉल्यूम रॉकर बटन भी देखने के लिए मिला है, और वही इसके साइड में एक छोटा सा आप देखेंगे ध्यान से तो एक पावर बटन भी दिख जाएगा आपको राइट एज में। तो वन प्लस का जो ये फोल्डेबल स्मार्टफोन है ना, माना जा रहा है कि इसको 1,20,000 रुपये के प्राइसिंग में लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि ये ऑफिशियल डिटेल्स नहीं है, ये लीक्ड रूमर्स हैं। और इसी तरीके के बहुत सारे रूमर्स अभी तक हम सुनते आ रहे हैं वन प्लस के फोल्डेबल स्मार्टफोन्स को लेकर, और इसे लेकर अब यूज़र्स के बीच में क्रेज़ भी बढ़ रहा है। तो हर कोई जानना चाहता है कि वन प्लस का जो फोल्डेबल फ़ोन होगा वो कैसा होगा। और वन प्लस ना तेज़ी से ग्रो कर रहा है, इसी साल कंपनी ने अपनी फ्लैगशिप वन प्लस 11 सीरीज़ को लॉन्च किया था। अब फोल्डेबल स्मार्टफोन्स में क्या क्या कुछ नया देखने के लिए मिलेगा, बहुत सारे इसके फीचर्स आउट हुए हैं, ये ऑफिशियल फीचर्स नहीं है, लेकिन इनसे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ़ोन में क्या क्या कुछ नया मिलेगा। तो इसमें आपको 7.8 इंच का एक इनर डिस्प्ले मिल सकता है जो कि एक ओलेड डिस्प्ले होगा, और इसमें हाई रिजोल्यूशन मिलेगा। वहीं जो आउटर डिस्प्ले की बात कर लेते हैं तो उसमें 6.31 इंच का एक ओलेड डिस्प्ले मिल सकता है, और दोनों ही डिस्प्लेज ना 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आएंगे। अब ये तो डिस्प्ले की बात हो गई, परफॉर्मेंस की भी बात कर लेते हैं तो इसमें क्वालकम का स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 जो कि लेटेस्ट चिपसेट है, जो कि अभी जितने भी फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं उसमें ये जो प्रोसेसर है वो मिल रहा है, तो फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है वो फास्ट होगी। इसके साथ ही इसमें 16 GB रैम मिल सकती है, और 1 TB स्टोरेज ऑप्शन भी मिल सकता है। रैम की जहाँ तक बात है तो फ़ोन अलग अलग रैम ऑप्शंस में आएगा, लेकिन ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है। वही इसमें कैमरा फीचर्स पे आते हैं, तो ये तो पता ही है हमें कि वन प्लस कैमरा बहुत अमेजिंग देती है, तो इस फ़ोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल सकता है जिसमें आपको 48 MP के डुअल कैमरा और एक 64 MP का टेलीफोटो सेंसर मिल सकता है, और ये 3x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट के साथ आएगा। अब मुझे वन प्लस पर तो डाउट नहीं है क्योंकि वन प्लस अब कैमरा में बहुत अच्छा प्ले करती है। वही सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसके फ्रंट में 32 MP का कैमरा जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। अब कैमरा की बात कर ली, डिस्प्ले की बात कर ली, बैटरी पर भी आ जाते हैं, तो माना जा रहा है कि इस फ़ोन में 4,805 mAh की बैटरी मिल सकती है, और ये आ सकती है 100 W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। तो बैटरी साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फोल्डेबल स्मार्टफोन्स ना वैसे ही अपने साइज़ की वजह से काफ़ी हैवी होते हैं, इसलिए कंपनी जो है आमतौर पे बैटरी साइज़ कम रखती है ताकि फ़ोन का जो वेट है वो लाइट वेट रहे, ज़्यादा हैवी ना हो। अगर ये फ़ोन लाइट वेट होता है तो कंपनी बड़े साइज़ की बैटरी भी दे सकती है, और फ़ोन थोड़ा हैवी होता है तो मुझे लगता है कि कंपनी को बैटरी साइज़ मिनिमम ही रखना चाहिए जिससे आपको फ़ोन चलाने में ईजी रहे और फ़ोन लाइट वेट रहे। लेकिन कंपनी इसको फिक्स कर देती है आपके फास्ट चार्जिंग सपोर्ट में, यानी कि 100 W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट एक फोल्डेबल फ़ोन में आपको मिल रहा है, तो ये कम नहीं है। और मुझे लगता है कि वन प्लस बैटरी, कैमरा, डिस्प्ले सब पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब जो कंपनी ने अपना 11 लॉन्च किया था उसमें कर्व डिस्प्ले दिया गया था, कैमरा भी बहुत अच्छा था, और अब इसमें ये देखना है कि दूसरे फोल्डेबल स्मार्टफोन से कितना डिफरेंट होगा। और गूगल ने भी अभी अपना फोल्ड स्मार्टफोन लॉन्च किया था, तो गूगल के साथ, सैमसंग के साथ, जैसे टॉप ब्रांड्स के साथ क्या वन प्लस कम्पीट कर पाएगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो वन प्लस के ये अपकमिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन को लेकर आपके पास कोई लेटेस्ट अपडेट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।